क्योंकि सारे काम उसमें आज का जो तो टॉपिक है बड़ी सोच का बड़ा जादू आ, सारे काम बड़ी सोच की वजह से हुए हैं अगर आदमी आज आसमान में उड़ता है हवाई जहाज के माध्यम से तो बड़ी सोच की वजह से अगर आदमी चंद्रमा पे गया तो बड़ी सोच की वजह से और जितने भी बड़े काम हुए बड़ी सोच की वजह से हुए हैं और आज उसी टॉपिक को पे बात करने के लिए आज हमारे ग्रेट लीडर डायनेमिक लीडर दमदार लीडर धमाकेदार लीडर मिस्टर विकास यादव जी मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करेंगे हमारे अभी के क्राउन बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन मिस्टर गुड मॉर्निंग टाइगर बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे आज लेजेंड हमें सुन रहे हैं और पूरे भारत में आज लाखों लोग लाइव हैं इस पैनल के साथ में और दोस्तों आज हमें मौका दिया है आज हमारे ग्रेट मेंटर के द्वारा ये मौका मिला है मैं सौभाग्यशाली हूं और इस पैनल पे आना इस पे बात करना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस पैनल पे मुझे लगता है कि आपको भी आना चाहिए मेहनत करके और आपको भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी चाहिए और शेयरिंग और केयरिंग ये दो ऐसी पावर्स हैं जो आदमी को अपने जीवन में बहुत बड़े लेवल पे लेके जाती हैं तो मैं शुरुआत करने से पहले मावर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे परमिशन भी चाहूंगा देंगे तो आपका थैंक यू माउर जी बहुत बहुत धन्यवाद तो... बहुत बढ़िया स्मार्ट लग रहा है जी आज एकदम एकदम जापा ये सेप सब के प्रोडक्ट का कमाल है बापू अच्छा बहुत ही बढ़िया वंडरफुल वेरी गुड लेम्बोर्गिनी आ गई है और उर, उर्स लेम्बोर्गिनी आ चुकी है चलिए थैंक यू वेरी मच बापू जी वेलकम वेलकम चलिए दोस्तों आज uh... बहुत ही गजब का टॉपिक है और ये टॉपिक इस टॉपिक ने मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव डाला है मैं थोड़ा अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आपको। मेरा नाम पूरा यादव है। और इस बिजनेस इस में आने से पहले मैं आर्मी में था और आर्मी में जाना मेरा एक ड्रीम था एक सपना था मेरा भी था मेरे माँ बाप का भी था और मुझे लगता है हर परिवार का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे और एक सरकारी जॉब में जाए लेकिन जिनको सरकारी नहीं मिल पाती है वो प्राइवेट में चले जाते हैं पर जॉब करना हमारे देश में इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की पढ़ाई लिखाई कराई जाती है हमको कि ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं ये दिमाग में बिठा दिया जाता है कि जॉब करनी है आपको तो दोस्तों मैं भी उसी बैकग्राउंड से था और मेरे भी दिमाग में मुझे ऐसा बिठाया गया कि आपको जॉब करना जरूरी है जॉब करने से जिंदगी सेट हो जाती है लेकिन जब जॉब करने के लिए मैं गया बड़ा अच्छा लगा लड्डू बटे जैसे हर परिवार में होता है लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चला कि जॉब जो है वो हमें वो नहीं दे पाएगी जो मैं चाहता था और फिर हमने कहते हैं कि आप जो सोचते हो जिस चीज को ढूंढते हो और वो कहीं ना कहीं आपको एक दिन वो चीज मिल ही जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ 2009 में मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन और मैं तो कहूंगा दुनिया की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन कंपनी हमारी कंपनी हम सब की कंपनी हम सबका परिवार सेफ सॉप का प्लान देखने का मौका मिला प्लान हमने देखा ज्वाइन किया 2009 में और उसके बाद इस ट्रेनिंग हमने कुछ ट्रेनिंग्स ली सिस्टम की कुछ किताबें पढ़ने के लिए मिली उन किताबों में से एक किताब है जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू इस किताब ने मेरे जीवन पे इतना प्रभाव इतना बड़ा प्रभाव डाला कि मुझे नहीं पता था कि एक भवरे की तरह क्योंकि भवरे को खुद ही पता नहीं है कि वो उड़ सकता है अगर देखा जाए साइंस के मुताबिक उसके पूरे स्ट्रक्चर उस को तो वो उड़ नहीं सकता लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि वो उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता वो बस उड़ता है वैसे ही हमारे साथ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर जाऊंगा लेकिन इस किताब ने मेरे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव डाला कि जहां पर सिरसो में लोग पांच साल में या छह साल में या कोई सात साल में डायमंड बनता था लेकिन दोस्तों मैं बड़ा अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ सिस्टम पे प्राउड फील करता हूँ अपनी मेंटरशिप पे प्राउड फील करता हूँ कि मात्र एक हजार दिन में मैं डायमंड बनके मैंने कहीं ना कहीं डायमंड बनके दिखाया तो कई लोगों ने बोला शायद तुक्के तो में हो गया होगा और लेकिन फिर मैंने कुछ ही दिनों में डबल डायमंड बनके दिखाया फिर भी कई लोगों को लगा कि तुक्के में हो गया होगा और मैं बताना चाहता हूं कि पूरी इंडस्ट्री में आज मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे विश्वास की बात है इस किताब के ऊपर इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि दोस्तों मैं कभी रुका नहीं थका नहीं और बड़े बड़ा सोचने से कभी नहीं डरा और आज उसका प्रणाम यह कि जहां 12 साल में लोग मुझे लगता है कि वो यही सोचते रहते हैं काम करें ना करें लेकिन 12 सालों में मैं ना कि सिर्फ डायमंड बना जहाँ आज प्रेजेंट टाइम में मैं क्राउन हूँ इस बिजनेस में और आज हमारी आईडी हमारी आईडी जो लॉग इन आई डी क्रिएटेड दो हजार नौ की है और मैं खैर चैलेंज तो नहीं करता किसी को लेकिन हाँ इतना जरूर शेयर करता हूँ कि भाई अगर मुद्दे की बात है अगर एविडेंस की बात है तो हम सामने बैठ के बात कर सकते हैं कभी भी ये मतलब ये ये क्रेडिट जो मैं ज, मैं बताना चाह रहा हूँ ये सारा क्रेडिट जाता है कहीं ना कहीं आपकी सोच को और ऐसा नहीं कि मैंने इकलौता ऐसा किया है दुनिया में जितने लोगों ने भी इस किताब की बातों पर ध्यान दिया है उन सबने ऐसा किया है और मुझे लगता है कि आज का ये सेशन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी आपका मदद कर पाया ये सेशन तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा तो दोस्तों सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सेफ्सो में मैं चाहता हूँ जोर तालियां हो जाए और मैं हमेशा कहता हूं कि इस कंपनी ने इस कंपनी में आपको ज्वाइन नहीं करा है आप ज्वाइन हुए नहीं हो बल्कि आपके पूर्वजों के और आपके माँ बाप के इतने ज्यादा पुण्य जोर किए हैं कि उनके पुण्य इस बिजनेस में इस कंपनी में आपको खींच के लेके आए हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप कहीं ना कहीं आज इतनी महान कंपनी में हैं हम सब इस महान कंपनी में हैं तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बड़ी सोच का बड़ा जादू सोच जो है वो आपकी माइंड और बॉडी और सोल पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है और आप इस बात को अगर थोड़ा मानेंगे क्योंकि जो लोग मानते हैं वो लोग आगे भी बढ़ते हैं जीवन में सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता मैंने इस बात को माना जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में मेरे दिमाग के ऊपर मेरे शरीर के ऊपर और मेरी अंतरात्मा के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ा और आज मैं अपनी शब्दावली जो आज मैंने अनुभव जो अपने जीवन में लिए हैं उन अनुभवों से मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा आपको कि इस इन सारी चीजों को पढ़ के सीखे मेरे जीवन में क्या बदलाव आया जिन्होंने सीखा उनके जीवन में क्या बदलाव आया तो ये जो बुक है ये डेविड साहब ने लिखी है और जो बहुत ही बड़े ऑथर है और ये बेस्ट सेलर बुक है दुनिया की लगभग फोर्टी मिलियंस बुक जो है ये पूरी दुनिया में अभी तक बिक चुकी है इससे ज्यादा ओवर सिक्स मिलियन कॉपी सॉरी आप ऊपर देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बुक है वो आपको कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि आप अपनी सोच के माध्यम से आप अपने बिजनेस को आप अपनी कामयाबी को कैसे आसान कर सकते हो ये डेविड है ये बोलते हैं इन्होंने एक अपनी जो किताब की एक कहानी जो है वो शुरू करी है और एक किताब एक सेल्समैन की कहानी है इसमें जो अपने सेल्समैन जो उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनकी तुलना में अधिक बिक्री करने में सक्षम है वो वो अधिक पैसा कमाता है वो अपने मित्रों से अधिक योग के प्रभावशाली या होशियार तो बिल्कुल नहीं है हाल की यह सिर्फ करता है कि उसे और बेचना चाहिए और आखिरी कार वही हासिल करता है जो वह चाहता है मेरा कहने का मतलब है 2009 में जब ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो शायद मेरे से पहले भी लोग लाखों लोग होंगे क्योंकि तो कंपनी तो जब मैंने ज्वाइन करी थी तो लगभग नौ साल पूरे हो चुके थे तो मेरे साथ के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला था अरे तू तो, तो बहुत नीचे ज्वाइन हुआ है यार कमाने वाले तो कमा गए अब तेरा क्या होगा नौ साल वो तो बहुत ऊपर है तेरा कुछ नहीं हो सकता और कहाँ तेरी कोई हेल्प करेगा ये है, इस तरीके की सोच लोगों ने कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इस तरीके की लोगों की सोच थी कई लोगों ने मेरे साथ भी ज्वाइन किया था कई लोगों ने हो सकता है कुछ दिन बाद मेरे साथ ज्वाइन किया था लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि उन्होंने उनको उन्हों ये मौका नहीं मिला उनको भी मौका मिला उन्होंने भी बहुत मेहनत करी उन्होंने भी एक टीम बनाई होगी उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर किया होगा उन्होंने भी काला सूट पहना होगा वो भी दिशा में गए होंगे वो भी टेस्ट में आए होंगे वो भी कोर में गए होंगे हर जगह गए लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला और दोस्तों सोच जो है अगर हम बदल लेते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं ऐसा ये बुक कहती है और इस बुक में हजारों लाखों जो सक्सेसफुल हुए हैं उन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इस बुक को पढ़ा है और उनमें से एक मैं भी हूं जिनमें मैंने पढ़ा ये बुक जरूर आप लेना और इसको पढ़ना जरूर आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा समय आपको ओवरव्यू दूंगा बाकी का पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये आपकी कैसे मदद करेगी अगर हमें वाली जिंदगी बदलनी है अगर हमें अपनी वाली जिंदगी बदलनी है तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी हम कभी कभी क्या करते हैं हम लोगों की सोच बदलने के चक्कर में रहते हैं लेकिन कभी ये भूल जाते हैं कि लोगों की सोच बदलेगी कि नहीं बदलेगी पता नहीं लेकिन अगर हम खुद की जिंदगी बदलनी हमें तो अपनी सोच बदलनी है और जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक जीवन में हम किसी और की सोच नहीं बदल सकते कई बार क्या होता है कि सेब सोम में हम लोग आ जाते हैं और हमारी टीम में लोग आते हैं तो हम कभी अपनी डाउनलाइन की सोच बदलने के लिए कहते हैं कभी हम अपने अपलाइनों को बदलने के लिए कहते हैं कभी किसी और को बदलने के लिए कहते हैं बदलने का मतलब हम अपनी विचारधारा को हम खुद चेंज नहीं करते हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे प्रत जो है विचारधारा चेंज करें हम जिसको प्लान देने जा रहे हैं वो हमारी विचारधारा से चलना चाहिए हमारी जो टीम में आ रहा है वो हमारी विचारधारा से चलना चाहिए विचारधारा जो है वो आप लोगों की नहीं बदल सकते लेकिन हाँ आप अपनी विचारधारा बदल के आप अपने जीवन में जरूर सफलता ले सकते हो सोच जो है वो व्यवहार कहीं ना कहीं सोच जो है वो व्यवहार बनती है व्यवहार जो है वो आपका कर्म बनाते हैं और कर्म जो है वो आपका जीवन बनाते हैं तो सोच जो है वो जड़ है आप ऐसे समझ लीजिए आपके जीवन में आज जो भी कुछ हो रहा है वो एक सोच जो है वो सोच नहीं है आप ऐसे मान लीजिए किसी पौधे की जड़ जैसी जड़ होगी उसका ऊपर का भाग उसके पत्ते उसके उसके जो भी कुछ है फल हल सब जड़ पर निर्भर करते हैं तो आपका जीवन आपकी सोच पर निर्भर करता है और सोच एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी बदल सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं जिन्होंने सोच को बदला मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिन्होंने अपनी सोच को बदला आज वो कहीं ना कहीं ना कि कही इस बिजनेस में बल्कि आज कहीं ना कहीं वो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज कहीं ना कहीं आज राज करते हैं आज वो लाखों करोड़ों लोगों के आज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेरणा देते हैं इंस्पायर करते हैं उनको आप देखोगे सोच कई बार हमें ऐसा लगता है ये सब भाग्य का खेल है ये सब इस तरीके का खेल है हाँ लेकिन आप देखेंगे बड़ी सोच का बड़ा जादू ये बुक जिसने भी पढ़ी हो जिसने भी अमल किया उनमें से हमारे ग्रेट मेंटर है संजय जैन माघोर जी आप सब इनको जानते हैं मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए आप इनके कुछ साल का जीवन देखेंगे तो ये खुद बताते हैं कि इनका एक ऐसा जीवन था जो परेशानियां समस्याओं से भरा पड़ा हुआ था यानी कि जब हमारे ग्रेट मेंटर ने बिजनेस शुरू किया था उस समय जूते भी सही से नहीं थे इनके पास लेकिन जब इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया अपनी सोच बदली तो आज आप देखिए कि जो एक समय पहले मुझे ऐसा लगता जिनको कोई नहीं जानता था जिनसे कोई प्रणा नहीं लेता था आज वो लाखों लोगों के करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं और आज आई कौन है ना के, बोला पूरी इंडस्ट्री के आज इंडस्ट्री की वजह से ये नहीं जाते, जाने जाते बल्कि आज इतना आज इनका जो नाम है आज इनका जो काम है आज इनके जो अवार्ड रिवॉर्ड है वो इतने बड़े हैं कि इनकी वजह से आज सेलिंग इंडस्ट्री जानी जाती है हम सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं और कुछ साल पहले आज यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे ग्रेट मेंटर भी लेकिन सोच बदलने की वजह से आज हमारे ग्रेट मेंटर आज, आज आप देखिए कि कहां से कहां पहुंचे है। आप देखेंगे हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंहराल महाकुर जी अगर आप इनके जीवन को भी आप पढ़ेंगे तो इनके जीवन में भी आप जाके देखेंगे कि आर्मी में थे एक साधारण जॉब थी लेकिन आज, आज आप देखिए आज ना कि सिर्फ ये हस्ती हैं बल्कि हस्तियों की भी हस्ती हैं और आज कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग बल्कि ना कि सिर्फ हम सब बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग भी सफलता लेना चाहते हैं आज कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर को पढ़ते हैं इनका एक एक शब्द कहीं ना कहीं कोटेशन बन जाता है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए मोटिवेशनल और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक ऐसी लाइन बन जाती है जिसपे चल के लोग अपने जीवन को कहीं ना कहीं बदल सकते हैं तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कौन है ये साधारण व्यक्ति थे लेकिन असाधारण क्यों बने क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सोच में बदलाव लेके आए और इनको लगा कि मुझे सोच बदलनी चाहिए और जो एक छोटी सोच थी सोच को आज बड़ा सोच बनाया और इनके जीवन में जादू हो गया जादू का मतलब चमत्कार जादू का मतलब सफलता जादू का मतलब धन दौलत धन दौलत को अर्न करना और कहीं ना कहीं आप देखिए कई बार हमको ऐसा लगता है पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा अगर ऐसा आपको लगता है तो ये विचार हमारे ग्रेट मैंटरों के भी दिमाग में आया होगा लेकिन जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो लाखों लोगों को जब उसमें उदाहरण पढ़े एग्जाम्पल पढ़े तो उनको लगा कि नहीं यार जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं सोच बदलनी पड़ी आप देखेंगे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर माधव मागुरू जी अगर आप इनको भी देखेंगे हमारे ग्रेट मेंटर को भी ये भी एक साधारण टीचर थे लेकिन टीचर होने के बाद भी इन्होंने सोच बदली आज आज हजारों लाखों टीचर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में और वो पूरी जिंदगी वर्ड टीचिंग कर रहे हैं लेकिन आज आज भी टीचर ही है महाजी लेकिन आज सेब सौ में लाखों लोगों को टीच करते हैं आज लाखों करोड़ों लोग इनसे सीखते हैं और आज इनका व्यक्तित्व तो मुझे ऐसा लगता है इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं बच्चा बच्चा जानता है इनके बारे में और आज कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी सोच के ऊपर बहुत बड़ा काम किया और आज इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म इन्होंने अपने जीवन में किया कि आज आप देखिए लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल है इसी क्रम में हमारे ग्रेट मेंटर विजयपाल माउर जी आते हैं अगर आप इनको भी देखेंगे तो ये भी एक साधारण टीचर थे लेकिन इन्होंने भी अपनी सोच के ऊपर काम किया और आज आप देखिए बहुत ही मतलब इनका जो व्यक्तित्व है वो ना कि सिर्फ लोगों के लिए प्रणा का, मैं का लोगों, लोगों को प्रेरित करता है बल्कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इनसे सीखते हैं इनसे समझते हैं और इनकी तरह बनना चाहते हैं है? लेकिन सिर्फ ये साधारण टीचर रहते तो कौन इनकी तरह बनना चाहता लेकिन आज आज कहीं ना कहीं लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं अपने अपनी शब्दावली से अपने काम से अपनी सोच से अपनी विचारधारा से और अपने काम करने के तरीके से आप इसी क्रम में देखो कि हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर जी एक बीबीए के स्टूडेंट थे और कहीं ना कहीं आप देखोगे स्टूडेंट की पढ़ाई करते करते लाखों लोग आज इनका एक लाइन कॉपी करते हैं यंग 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 रिच रिच और रिटायर। और हमारे ग्रेट मेंटर बोलते भाई मैं मैं पर रिटायर नहीं अभी भी। अभी भी भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ अभी भी, आ, बहुत भी बहुत बड़ी कहते हैं न कामयाबी बहुत बड़ी अभी भूख है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही कम एज में बिजनेस की शुरुआत करना और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना देना जो शायद उम्र से औकात से Uh, मतलब बियॉन्ड लिमिट लिमिट को भी सारा तोड़ दिया और आजकल वही वाली बात है ना कि भाई आ, आपके पास एक मैसेज आता है एक मैसेज आता है कोई आपको मैसेज करता है आई लव यू का दूसरा मैसेज आता है आपके पास आपके अकाउंट में कि दिस वीक क्रेडिट टू लैख रुपीज इन योर अकाउंट तो आप बताइए कौन सा आपको मैसेज अच्छा लगेगा तो अब कहीं ना कहीं कुछ लोग ध्यान कहीं और देते हैं लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर ने ध्यान दिया अपने अकाउंट के ऊपर अपनी जिंदगी के ऊपर और कहीं ना कहीं आज वो आज इतनी बड़ी सक्सेस है आज ना कि सिर्फ मेरे बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल है तो दोस्तों ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बताना हूं कि कहीं आपको ऐसा ना लगे किताबी बातें हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतने बड़े बदलाव किए हैं जो बदलाव साधारण नहीं है ये बदलाव असाधारण है असाधारण बदलाव इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपनी सोच को असाधारण बनाया असाधरण सोच का मतलब लेवल पे लोग तो दोस्तों जब ये लोग कर सकते हैं तो सवाल खुद से भी आपको करना चाहिए कि आप क्यों नहीं कर सकते और आज आप कर सकते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आपने आज इस बुक को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा ये चीजें आप अमल करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं और जिस तरीके से हमारे रोल मॉडल हैं आज हमारे ग्रेट मेंटर से आप उनकी तरह ही लाइफ जी सकते हैं आज उनकी तरह ही आप लोगों को आज कहीं ना कहीं लाखों लोगों के रोल मॉडल बन सकते हैं शुरू करते हैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी सिंपल सा साधारण सा मेरी सरकारी जॉब थी जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया लेकिन सोच बदली और सोच बदलने की वजह से दोस्तों आज मैं इस बिजनेस में मैं एक बहुत ही सम्माननीय लेवल पे हूं जिसको क्राउन क्रॉन लेवल कहते हैं दोस्तों सवाल यह है कि आज आपका जो बैंक अकाउंट है आज आपकी जो सक्सेस का अकाउंट है और जो आपका हैप्पीनेस का अकाउंट है। ये किताब ऐसा कहती है कि आपके बैंक अकाउंट का साइज आपकी सक्सेस का साइज और आपकी हैप्पीनेस का साइज आपके ज्यादातर आपकी सोच में निर्भर करता है हो सकता है आप इसको भगवान को दोष दे सकते हैं जो बहुत आसान है अपने भाग्य को दोष दे सकते हैं जो बहुत आसान है और एक आम एक आम आदमी की कहीं ना कहीं जब मैं भी आम आदमी था तो मेरी भी सेम यही आदत थी हो सकता है हर आम आदमी की यही आदत होती है कि वो हमेशा अपने आप को मतलब छुपाने की कोशिश करता है वो भाग्य को दोष देता है वो दिनों को दोष देता है वो भगवान को दोष देता है वो लोगों को दोष देता है और जिंदगी भर दोषारोपण करते रहता है लेकिन जब ये किताब मैंने पढ़ी तो पता चला कि दोषारोपण करने से आप अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंच सकते आप अपनी सोच को बदल के आप अपने बैंक अकाउंट का साइज बदल सकते हो आप अपनी सक्सेस का साइज बदल सकते हो आप अपनी हैप्पीनेस का साइज बदल सकते हो सोच बड़ी सोच ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं ये स्टोरी मैंने अपने ग्रेट मेंटर नरसी अग्रवाल महागुरु जी से मैंने 2009 में दिशा के अंदर सुनी थी और उस दिशा में जाने के बाद मुझे पता चला कि बड़ी सोच किसे कहते हैं पहले सुनते तो थे बड़े लक्ष्य बनाओ बड़ा सोचो लेकिन वो मेरे समझ में आती नहीं थी कई बार क्या होता है कि ज्यादा टिपिकल बातें समझ में आती नहीं है लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर उन टिपिकल टेक्निकल बातों को बड़े आसान शब्दों में समझाते हैं तो हमारे ग्रेट मेंटर ने एक स्टोरी सुनाई तो मैं सुनाता हूँ आपको एक बार क्या हुआ एक गांव में धनी राम रहता था धनी राम तो धनी राम को जो है लाइसेंस चाहिए था गन का लाइसेंस चाहिए था तो गन का लाइसेंस चाहिए था तो उसने फॉर्म अप्लाई किया गया मजिस्ट्रेट ऑफिस में उधर से ऑफिस से फॉर्म लेके आया फॉर्म में देखा उसने पहले नंबर पे गन है फिर जो है माउजर है पिस्टल है इस तरीके से दसवें नंबर पे लिखी थी तोप। तो उसने सीधा जो है तोप पे टिक मार दिया नीचे साइन मारा फोटो चिपकाया और साब ये साब उसने फाइल जो है जमा कर दी जब ये फाइल जो है डीएम साहब के जब जहां से लाइसेंस अप्लाई होता है जब वहां पहुंची ऑफिस में तो जो वहां का अधिकारी था वो जिंदगी में पहली बार अपनी चेयर से खड़ा हो गया देख के कि भैया ये कौन शख्स है इसको तोप का लाइसेंस चाहिए है, है कौन ये और उसने तुरंत देखा उसको बुलाया चपरासी को चपरासी बोला भाई देख गलती से तो नहीं मारा इसने बोला नहीं सर बिल्कुल ठीक ठाक है उसने बिल्कुल जान बुझ के टिक मारा बोला बुलाओ यार ये कौन है धनी राम धनी राम को गांव से बुलाया गया धनी राम आया तुरंत उस दिन जो है अधिकारी जो साहब थे वो पहले आ गए समय से पहले आ गए ऑफिस में क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में पहला कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो तोप के लाइसेंस की अप्लाई कर दिया उसने तो बुलाया उसको बोला हा भाई धनी ये क्या है भाई ये तुझे तो बंदूक ले ले पिस्टल ले ले खुद ही बोल रहा है ये तुझे तोप की तोप लेके कहा जाएगा बोला माई बाप गलती क्या है मेरी नहीं है सरकारी काम है मैंने ऊपर से देखा है कि जब हम लोगों के लिए एक लाख रुपए सेंक्शन होते हैं सरकार की तरफ से तो हम तक पहुंचते पहुंचते माई बाप दस हजार रुपये बन जाते हैं तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर मैं बंदूक पे टिक मारूंगा तो पता नहीं कुछ मिले पर तोप पे टिक मारा कम से कम हमें तोप ना मिले तो कम से कम बंदूक तो मिल ही जाएगी ना साहब तो इसको कहते हैं बड़ी बड़ा सोचना कहीं ना कहीं अगर आप बहुत छोटा सोचोगे तो जीवन में छोटा क्या फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं लेकिन अगर आप बात करते हो कम से कम करोड़पति बनने की बात करते हो अगर आप दस करोड़ रुपए कमाने की बात करते हो दस करोड़ नहीं कमाओगे भाई सात साथ कमाले सात नहीं कमाओगे पर एक तो कमालोगे ना तो सोच में बहुत जादू होता है सोच में ही सफलता है सोच में ही समृद्धि है बड़ी सोच में तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ये बताती है कि आपको बड़ा सोचना है धनी राम की तरह धनी राम जो है वो हमारे ग्रेट मेंटर के द्वारा ये स्टोरी निजात की गई किताब में नहीं मिलेगी आपको जो ये धनी राम की कहानी हमने सुनाई है और उस दिन के बाद मेरी सोच बिल्कुल धनी राम जैसी हो गई कभी कभी मेरी सोच जो है कभी मेरी सोच हल्की हुई नहीं और इस किताब को पढ़ने के बाद बाकी मैं धनी राम की तरह सोचने लगा मैं सीधा टिक जो है तो मारता हूं बाकी का परमात्मा और हमारे कर्मों पे निर्भर करता है कि हमें क्या मिलेगा और गीता ऐसा बताती है भगवत गीता कि आप कर्म करिए फल की चिंता मत करिए तो फिर हमें क्या मिलेगा ये तो परमात्मा जानता है और हमारे कर्म हम जिस तरीके की मेहनत करेंगे तो दोस्तों आज आपका अकाउंट कैसा है आपकी सक्सेस कैसी है आपकी हैप्पीनेस कैसी है ये आपके सारे के सारे जो जो मेजर पार्ट है जिंदगी के वो कहीं ना कहीं आपकी सोच पे निर्भर करते हैं ऐसा बुक कहती है और सफर लोग भी ऐसा कहते हैं और मैं भी आज इस पैनल के माध्यम से आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपनी सोच को बड़ा बनाइए सोच आप देखेंगे सोच एक रॉबर्ट की उसकी हुए हैं और ये किताब आपने पढ़ी होगी लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूं ये बोलते कि दुनिया में एम्प्लॉय बनके पैसे बना सकते हो सेल्फ एम्प्लॉय बनके पैसे बना सकते हो बिजनेस ओनर बनके पैसे कमा सकते हो और इन्वेस्टर बनके पैसे कमा सकते हो लेकिन देखोगे चारों जगह लोग ही काम करते हैं लेकिन देखोगे एम्प्लॉय की सोच अलग होती है सेल्फ एम्प्लॉय की सोच अलग होती है बिजनेस ओनर की सोच अलग होती है इन्वेस्टर की सोच अलग होती है आप एम्प्लॉय वाली सोच से आप सेल्फ एम्प्लॉय वाला आप कमा नहीं सकते आप वो जिंदगी नहीं जी सकते जो सेल्फ एम्प्लॉय जी रहा है और सेल्फ एम्प्लॉय वाली सोच से आप बिजनेस ओनर वाली लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते और बिजनेस ओनर की जो लाइफ स्टाइल है जो सोच है उससे आप इन्वेस्टर की लाइफ नहीं जी सकते तो देखोगे चारों जगह लोग ही काम करते हैं एम्प्लॉय भी आप देखोगे हमारे जैसे आप जैसे लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय भी हमारे आप जैसे लोग होते हैं सबको भगवान ने शरीर एक जैसा दिया है लेकिन सोच आपको कैसे बनानी है ये परमात्मा ने फ्रीडम आपको दे रखा है भगवान ने आपको पूरा शरीर बनाया है पूरा सिस्टम दिया हुआ है लेकिन सोच कैसे बनानी है इस बात की आजादी परमात्मा ने आपको दी है और सोच पे ही आपकी किस्मत आपका जीवन आपका भाग्य आपकी भविष्य सब कुछ सोच पे ठेका हुआ है तो ये आजादी आपके ऊपर है आप चाहें तो अपनी सोच नौकरों जैसी रखें आप चाहें अपनी सोच मालिकों जैसी रखें आप जैसी सोच रखोगे आप वैसे ही बन जाओगे और हंड्रेड परसेंट बनते चले जाओगे ऐसा कहीं ना कहीं ये बड़ी सोच का बड़ा जादू जो किताब है इसके जो लेखक है मिस्टर डेविड वो ऐसा कहते हैं दोस्तों कई बार क्या होता है सेरसों में आने के बाद हम सूट पहनना सीख लेते हैं टाई बांधना सीख लेते हैं हम बोलना सीख लेते हैं हम डायलॉग मारना स्टाइल मारना चुटकी बजाना हम लोगों को बड़ा एकदम डांस कराना और एकदम पता नहीं क्या क्या करना सीख लेते हैं हमारा शरीर का जो ये भाग है ये तो हम चेंज कर लेते हैं लेकिन जो हमारा ऊपर का भाग है जिसको कहते हैं दिमाग वो पूरी तरीके से हमारा झंड रहता है आप देखे दिमाग के ऊपर कॉकरोच घूम रही है इस आदमी के अब जिस आदमी के जिस आदमी का इनपुट इतना खराब है कंप्यूटर का आउटपुट कैसा होगा कई बार क्या होता है कई लोग जो होते हैं उनको आठ साल दस साल बारह साल छह साल तीन साल उनको लगता है यार मेरे साथ में जो ज्वाइन जो जो हुआ वो इतना आगे निकल गया मैं ही पड़ा हुआ हूं इसका सबसे बड़ा कारण है कि उस व्यक्ति ने अपनी सोच के ऊपर काम नहीं किया उसने कपड़ों के ऊपर काम कर लिया जूतों के ऊपर काम कर लिया भाषण देता है बढ़िया स्टेज पर जाता है तो क्या तालियां बजाता है डीजे हो तो क्या डांस करता है कभी हेयर स्टाइल लाल बाल करा लेगा कभी नीले बाल करा लेगा कभी कुछ करा लेगा अलग अलग रूप में आता है कभी अक्षय कुमार बन के आता है कभी सलमान खान बन के आता है कभी जॉनी लीवर कभी अमरीश पुरी वाली आवाज में बात करता है अलग अलग, अलग आवाजों में निकालता है अलग अलग कपड़े होते हैं कभी कोई कपड़ा कभी कोई कपड़ा कभी किसी प्रकार का जूता लेकिन उसने अपनी सोच के ऊपर काम नहीं किया तो जीवन भी नहीं बदला और उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मेरे रिजल्ट क्यों नहीं पड़ रहे दोस्तों आपके रिजल्ट मैंने बोला ना आपका अकाउंट आपकी सक्सेस और आपके हैप्पीनेस का जो साइज है वो सोच से बदलेगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो ऊपर का जो भाग है जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं हम अपना दिमाग भी कहते हैं हम अपना मूड कहते हैं मन कहते हैं हम अपनी आत्मा भी कहते हैं है, है ना हमारा जो मस्तिष्क है ये आत्मा है यही भगवान है तो कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं जब तक दोस्तों ये कॉकरोच घूमती रहेंगी छोटी सोच छोटी सोच क्या होती है हम फ्री में सब कुछ मिल जाए भंडारे में सब कुछ मिल जाए हम कुछ करना ना पड़े ऐसे बैठे बैठे हो जाए है ना छोटे आदमी की ऐसी सोच होती है, है ना बोनस में डिस्काउंट वाला जब डिस्काउंट आता है तो देखो फिर आप मॉल में जगह नहीं मिलेगी आपको है ना तो वो शॉपिंग उस समय नहीं करता जब उसे जरूरत होती है वो शॉपिंग उस समय करता है जो डिस्काउंट चलता है वो खाना अपने हिसाब से नहीं खाता है वो खाना रेट के हिसाब से खाता है वो कपड़े अपने हिसाब से नहीं पहनता वो कपड़े रेट के हिसाब से पहनता है लेकिन अमीर लोग खाना अपने मन के हिसाब से खाते हैं वो वो घर में रहते हैं जिस घर में वो रहना चाहते हैं वो उस होटल में रहते हैं जिसमें वो रहना चाहते हैं वो वो कपड़े पहनते हैं जो पहनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले तो ये मैंने पिछले तेरह सालों में यह सीखा है कि अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपका सब कुछ बदल जाएगा सोच बदलना बहुत जरूरी है ऐसा ये किताब कहती है ऐसा लाखों सफल लोग कहते हैं जो भी जीवन में सफल हुए हैं तो नीचे का आपने भाग बदल लिया सिर्फ इस दिखावे से कुछ नहीं होने वाला ये तो ऐसे मान लीजिए कि ये तो मतलब ऐसे मान लो कि अंदर की दीवार टूटी और आपने उस पर पेंट कर दिया है ना वो पेंट एक दिन छुट जाएगा बरसात होगी छुट जाएगा फिर वो दीवार वैसी दिखना शुरू हो जाएगी है ना तो थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को ऐसा दिखा सकते हो मैं सफल हूं लेकिन एक्चुअली जो सफलता मिलेगी वो तब तो मिलेगी जब अपने दिमाग पे आप काम करेंगे आप सोच पे काम करेंगे ये किताब कहती है सबसे पहले ये कहती है इस पढ़ेंगे विश्वास कैसे काम करता है आपके जीवन में मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं बाला रवैया ही हमें वह शक्ति साहस और ऊर्जा देता है जिसके सारे हम वह काम कर पाते हैं 2009 में जब मैं आया तो 10,000 टीम बनाना एक बहुत बड़ा नंबर था कैपिंग पे पहुंचना एक बहुत बड़ा नंबर था 10,000 लोगों की टीम लेके आना यह बहुत बड़ा नंबर था लेकिन मुझे विश्वास था मेरे ग्रेट मेंटरों ने मुझे बताया मुझे सिस्टम ने मुझे बताया सिस्टम की हर ट्रेनिंग में ने मुझे बताया कि आप विश्वास करिए जब आप विश्वास करते हैं तो इससे जो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है आपको शक्ति और साहस और ऊर्जा मिलती है उस गोल तक पहुंचने के लिए ये विश्वास करेंगे तभी होगा विश्वास नहीं करेंगे तो आपको ना शक्ति मिलेगी ना साहस मिलेगा ना हिम्मत मिलेगी ना ऊर्जा मिलेगी है ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को कहीं ना कहीं वो ताकत वो हिम्मत वो साहस तब मिलता है जब आप अपने गोल पर विश्वास करते हो कई लोगों को देखा है जैसे ही कंपनी का टारगेट आता है कई लोग देखते ही विश्वास कर लेते हैं भाई ये तो हो जाएगा और उनका टारगेट हो जाता है लेकिन कई लोग विश्वास ही नहीं कर पाते इस बात पे कि ये मेरे से हो पाएगा और उनसे हो भी नहीं पाता है तो दोस्तों विश्वास जो है वो इस तरीके से आपके माइंड और बॉडी और सोल में काम करता है और जो आपका दिमाग है जो आपकी बॉडी है जो सोल है ये पूरा का पूरा आपका जीवन है तो मेरा कहने का मतलब है विश्वास करें विश्वास करना बहुत जरूरी है और विश्वास जैसा करोगे वो आपके ऊपर रिएक्ट करेगा आप नेगेटिव चीजों पे विश्वास करोगे तो वो नकारात्मक चीजें रिएक्ट करेंगी कहते ना सोचने की आजादी आपके भगवान ने दे रखी है वो भगवान के पास नहीं है सोचने की आजादी आप कैसा सोचते हो ये आजादी आपको परमात्मा ने दे रखी है अब ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बुद्धिमता से आप नेगेटिव सोचोगे पॉजिटिव सोचोगे नेगेटिव किसे कहते हैं नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें ना खुद का भला है ना सामने वाले का भला है उसको कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है जिसमें हमारा भी भला है सामने वाले का भी भला है बाहर की दुनिया में जीतने के लिए को हराना पड़ता है लेकिन हमारे बिजनेस में बिन बिन सामने वाले वाले को जिताओ आप खुद जीतोगे इसमें दोनों की जीत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेव में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कई लोग मेरे को पूछते हैं इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है बाहर की दुनिया में आप जीतोगे वहां जीतने के लिए किसी एक को हराना पड़ता है हराने का मतलब है कि आपको किसी ना किसी से कंपटीशन करना पड़ेगा आपको हराना पड़ेगा हराने के लिए आदमी को षड्यंत्र रचने पड़ते हैं आदमी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं लेकिन जिताने के लिए कोई षड्यंत्र रचने की जरूरत नहीं है तो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं आप देखोगे खुद भी जीतते हो सामने वाले को भी जीताते हो बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस ये आपको कहीं ना कहीं बोलता है कि आप अच्छी चीजों पर विश्वास करें आप अपनी डाउनलाइन का भी भला सोचे आप अपने ग्रेट मेंटर का भी भला सोचें आपका तो भला अपने आप हो जाएगा है ना तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको शक्ति और साहस और ऊर्जा चाहिए तो आप विश्वास करें उन चीजों पे जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो आप डायमंड बनना चाहते हो कैपिंग पे पहुंचना चाहते हो लंबी कार लेना चाहते हो धीरू भाई अंबानी की स्टोरी उनके उदाहरण हजारों लोगों के उदाहरण हमारे ग्रेट मेंटर के उदाहरण ये दर्शाते हैं कि उन्होंने विश्वास किया है ना आप देखेंगे नंबर दो पे अगर पढ़ेंगे आप ये पूरी किताब से कुछ ही चीजें हैं जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग जो है ना वो तरीके ही लेता है आप विश्वास करते हैं तो काम करने के तरीके अपने आप दिमाग ढूंढ लेता है आप विश्वास करें कि आप दस दस हजार बिजनेस वॉल्यूम में सत्य भेजेंगे आपका दिमाग बताएगा आपको आपका दिमाग आपको गाइड करेगा ऐसे भेजेंगे ऐसे भेजेंगे ऐसे भेजेंगे ऐसे भेजेंगे इतनी मीटिंग करेंगे लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ये बोलते हो नहीं नहीं यार मेरे से तो नहीं हो सकता तो आपका दिमाग कई सारे ऐसे तरीके बता देगा जो नहीं हो सकता लीडर को अपने शब्द कोशिश से अगर एज ए लीडर लीडर अगर आप लीडर हैं तो असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंकना चाहिए अगर आप लीडर हैं तो असंभव जैसी कोई चीज होती नहीं है है ना? वो आपकी विचारधारा है इस विचार को कभी भी अपने दिमाग या जुबान पर ना आने दें जब मैंने ये बोलना शुरू किया कि मैं सेब शॉप के अंदर रिकॉर्ड बनाऊंगा तो लोगों ने अरे भोला यह असंभव है सब बकवास है सब फेक है लेकिन मुझे विश्वास था और आज मेरा विश्वास उन लोगों के गाल पे करारा तमाचा है जिन्होंने ऐसे बोला था ये फेक है जिन्होंने ये बोला था ये सब बकवास है जिन्होंने ये बोला था सब फेक है सब ढोंग है तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस विचार को कभी भी अपने दिमाग में मैंने आने नहीं दिया ना जुबान पे आने दिया ना कभी हमने अपने दिमाग में आने दिया असंभव असफलता का शब्द है अगर आप बार बार किसी चीज को असंभव आप लेते हो आप बोलते हो ये चीज मेरे से नहीं हो सकती है तो आप इस बात की गारंटी आप दे रहे हैं कि आप सफल नहीं हो पाएंगे जीवन में जब आप कहते हैं कि ये असंभव है तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो ये साबित भी कर देंगे इस बात की हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि वो ये जो आपका दिमाग है वो इतना शक्तिशाली है कि वो ये साबित कर देगा कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं इसलिए आप क्या साबित करवाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है इसलिए हमेशा सही और बड़ा सोचें हमेशा और ये मैंने अपने जीवन में पिछले तेरह सालों से मैं अमल कर रहा हूं और इन तेरह सालों में मेरे जीवन में कई बार लोगों के द्वारा जब भी मैं अपने गोल बताता था जब भी मैं अपने काम बताता था जब भी मैं बोलता था मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे को आके बोलते थे ये सब बकवास है अभी भी कुछ लोग बोलते हैं लेकिन उनके बोलने से हमारे दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका बोलना और हमारा सुनना हमारे सुनने पे डिपेंड करता है कि मैं क्या सुनना चाहता हूं ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता मेरे को क्या सुनाएंगे वो तो दोस्तों आप जब फील्ड पे जाते हो जब आप प्लान दिखाने जाते हो जब आपकी फैमिली या आपके रिश्तेदार आपके रिलेटिव आपके जाने नियर डियर सब कई चीजें ऐसी हैं जो असंभव जैसी लगती है क्योंकि आज तक कोई आपके खानदान में आपके परिवार में कोई ऐसा बना ही नहीं बंदा जो आठ लाख रुपए या दो लाख रुपए कमाता हो महीने के या हफ्ते के तो आपने इतना बड़ा डिसीजन पहले लिया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका आप ध्यान रखें और इसका ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है ये आपकी चीज के ऊपर काम करेगा अब सवाल यह आता है कि बड़ा कैसे सोचे हम बड़ा सोचना चाहते हैं पर बड़ा सोच नहीं पा रहे तो ये किताब ऐसा बोलती है हमें हमेशा स्वयं को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप में काम करने की वह सब योग्यता है जो एक इंसान में होनी चाहिए हमें सिर्फ सुख के बारे में बात करनी चाहिए सिर्फ प्रगति के बारे में बात करनी चाहिए सिर्फ अमीरी के बारे में बात करनी चाहिए अगर आप हमेशा सुख के बारे में बात करते हैं प्रगति के बारे में बात करते हैं मतलब प्रोग्रेस के बारे में बातचीत करते हैं आप अपनी अमीरी के बारे में बात करते हैं इसका मतलब आप बड़ा सोचते हैं आप ये अपनी अंतरात्मा से देखें कि आप बात आपकी बातों में सुख है क्या आपकी बातों में प्रोग्रेस की कहीं ना कहीं झलक दिखती है आपकी बातों में कहीं ना कहीं अमीरी की झलक दिखती है अगर नहीं दिखती है तो आप बहुत छोटा सोचते हैं तो दोस्तों जब ये किताब पढ़ा तो आप देखोगे मेरा कोई भी ऑडियो सुन लो कोई भी वीडियो सुन लो लाखों वीडियो है यूट्यूब पे हर वीडियो में मैं आपको धड़ता मिलूंगा मैंने कभी नहीं बोला मैं प्लान दिखाने के लिए गया मैं मर गया हाय उसने मेरे को गाली दे दी अरे मैं प्लान देखने के लिए गया था मेरे पीछे कुत्ते दौड़ा दिए एक दिन दोस्तों मेरे जीवन में ऐसा आया कि मुझे रात को खाना खाने के लिए नहीं मिला ऐसा मैंने कभी नहीं बोला लेकिन हुआ सब मेरे साथ भी वही है लेकिन मैं जानता हूं इन चीजों का कोई क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा हमारे शब्द जो है हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो मैं ऐसा क्यों बोलूं जो नेगेटिव चीज हावी हो और कई बार लोग इसको बड़ा लोगों की हमदर्दी जीतने के लिए मैं बड़ा पहले ये था मैं बड़ा ये था ठीक है लेकिन अभी आप क्या बनना चाहते हो उसके बारे में बात करो तो लोग लोगों की हमदर्दी जीतने के लिए उनको लगता है ऐसी गरीबी गरीब छोटी छोटी बात बात करेंगे तो वो तालियां तो थोड़ी देर के लिए आप बटोर सकते हो लेकिन आप जीवन में बड़े नहीं बन पाओगे तो कई लोगों को देखा अच्छा ऐसा होता भी हमारे समाज में जो थोड़ा रोएगा चिल्लाएगा लोग उसके थोड़ी हमदर्दी दिखाते हैं लेकिन उसको पता नहीं कि ये जो तू तू रोने चिल्लाने की बात कर रहा है बेचारा बन रहा है लोगों को दया का पात्र बन रहा है हाय मेरे पास कंट्रीब्यूशन नहीं है मैं कैसे आऊं आप तो जानते हो मेरे दो बच्चे हैं एक बीबी है अरे भैया सबके बच्चे और बीबी सबके होते हैं तेरा कोई नया है क्या है तो हमेशा अगर आप ऐसी बातें करोगे तो थोड़ी देर के लिए आप लोगों की हमदर्दी ले सकते हो लेकिन बड़ी बड़ी बातें करोगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप लोगों का मजाक का का मजाक मजाक केंद्र केंद्र बन सकते हो लेकिन मजाक का जो जो है वो एक दिन सच हो जाएगा तो जो आज मजाक आपकी बना रहे ना वो ही लोग आपको रोल मॉडल मानना शुरू कर देंगे लाइफ में ऐसा है मेरे साथ मैं देखता हूं तो दोस्तों हमेशा अपनी शब्दों में अपनी ट्रेनिंग्स में अपनी बातचीत में अपनी टेस्ट मनी में अपने प्लान में अपनी ग्रुप मीटिंग अपनी में अपनी सुख की बातें करो प्रोग्रेस की बातें बताओ अमीरी की बात करो और लोगों के अंदर जब आप फील्ड पे जाते तो उनके अंदर एक अच्छा अच्छा कहते ना अच्छा महसूस कराओ उनको है ना अपनी टेस्ट बनी सुनने के बाद आदमी को ऐसा लगना चाहिए यार हमको भी ऐसी लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए है ना तो कहीं ना कहीं बड़ा सोचने का तरीका ये है इस किताब को और पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर है आप पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा नंबर चार लक्ष्य बनाए सफल बने हमारे ग्रेट मेंटर तो ऐसा बोलते भाई एक दो साल की प्लानिंग बनाओ तीन साल की प्लानिंग बनाओ लेकिन मैं अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा था वो दो की बात कर रहे थे मैं एक एक बहुत बड़े अभी बिजनेसमैन को सुन रहा था जो दुनिया में कोई पांचवें नंबर पे है कोई दूसरे नंबर पे वो वो 2025 की नहीं बात कर रहे वो 2035 की बात कर रहे हैं वो 2040 की बात कर रहे हैं वो 2030 की बात कर रहे हैं तो दोस्तों दस साल बाद की प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं इस किताब में बताया गया है मैं कितने रुपए कमाना चाहता हूं वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए मैं अपने पास कितनी सत्ता कितना अधिकार चाहता हूं सत्ता का मतलब हमारे बिजनेस में होता है लेबल है ना रिकॉग्निशन अधिकार का मतलब हमारे बिजनेस में होता है कि हम कितनी बड़ी टीम बनाएंगे जिम्मेदारियां अधिकार को हम जिम्मेदारी समझेंगे अधिकार का मतलब बॉसगिरी नहीं जिम्मेदारी हमारी मैं अपने परिवार को किस तरीके का जीवन स्तर देना चाहता हूं आज हमारा परिवार एक कमरे के मकान में रहता है किराए के घर में रहता है तो यह किताब हमें बताती है कि आप पहले तय करें कि आप अपनी फैमिली को किस तरीके के घर में रखना चाहते हो आज हमारे ग्रेट मेंट्रो के घर में जाओ अगर आप उनके पुराने जीवन को देखेंगे तो एक कमरे के घर में पांच भाई चार भाई दो भाई अकेले रहते थे लेकिन आज उनके पास घर नहीं है आज उनके पास बंगले हैं आज उनके पास ऐसे ऐसे घर हैं कि जिनका अगर आप एक बार घुस जाएंगे तो आपको लगेगा यार स्वर्ग में आ गए है ना मैं किस तरीके घर में रहना चाहता हूं मैं किस तरह से छुट्टियां बिताना चाहता हूं मेरे पास किस तरीके के दोस्त होने चाहिए है ना चिंदी टाइप के चोर नहीं होने चाहिए चिंदी टाइप के दोस्त नहीं होने चाहिए है ना इन सभी बातों को लेकर आपके पास एक उचित योजना होनी चाहिए क्योंकि योजना दोस्तों आपको रास्ता बताती है हो सकता है जो अपलाइन आपको रास्ता बता रहा है वो अपलाइन ही कल खत्म हो जाए हो सकता है कि जिसके ऊपर आप जिसके कंधे पे रखे आप तमंचा चला रहे हो वो कंधाई कल सबसे वफादार आपका साथी कौन है आपकी योजना आपके गोल आपके ड्रीम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग मर जाते हैं सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास खुद की कोई योजना नहीं है उनका अपलायन भगौड़ा हो गया खत्म हो गए वो उनका अप्लायन ने कोई तांडव कर दिया खत्म हो गए वो उनकी डाउनलाइन ने तांडव कर दिया खत्म हो गए वो लेकिन यह काम हमारे मेंट्रो के साथ भी हुआ होगा यह काम हमारे साथ भी हुआ होगा लेकिन योजना जो है वो आपके जीवन की सबसे वफादार आपकी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा आपका सबसे अच्छा दोस्त होती है सबसे अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो आप योजना के साथ बनाइए योजना है लोग तो आते जाते रहेंगे लोग आते जाते रहेंगे लेकिन योजना जो है वो अगर आपके पास है तो योजना आपको गलत गाइड नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं जो गोल है जो योजना है वो वफादार कहीं ना कहीं आपके लिए मेंटरशिप का काम करती है आपकी योजना देखो मेंटर काम करेंगे आपके साथ आपकी डाउनलाइन भी आपके काम करेगी लेकिन योजना जो है वो दिन रात आपके साथ काम करेगी आपको गाइड करेगी अगर आपकी योजना है कि मुझे भाई इस बार यूरोप जीतना है तो योजना जो है वो आपके आगे आगे चलेगी आप उसके पीछे पीछे चलेंगे आप अदृश्य तरीके से देखें योजना को ही हम कहते हैं अपनी किस्मत अपना भाग्य अपना भविष्य और परमात्मा की ब्लैसिंग्स योजना नहीं है तो ना आपके साथ ब्लेसिंग रहने वाली है ना आपके साथ परमात्मा की कृपा रहने वाली है ना आपके ऊपर कुछ नहीं रहने वाला तो जो योजना जब आप बनाते हैं तो ऐसे मान लीजिए योजना ही भगवान है योजना ही भविष्य है आपकी योजना ही आपकी कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है आपकी जो आपको भविष्य में मिलेंगे योजना नहीं है तो 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 फिर आप अंधेर नगरी चौपट राजा टका सेर भाजी टका सेर खाजा मजदूर हो कर लिया आज तो ठीक है तो दोस्तों अगर मेरे से आप बात करेंगे मैं 2030 की बात करता हूं मैं 2035 की बात करता हूं आज हो सकता है मेरी जिंदगी में क्या हो रहा हो मुझे पता नहीं पर मेरे को 2030 पे बात करनी है मुझे 2035 की बात करनी है तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो दुनिया में जितने बड़े लोग हैं सफल लोग है ना जिन्होंने जीवन में सफलता हासिल करी है देखो एक तो होती है नॉलेज कौन सी किताबी नॉलेज जो यूट्यूब पे भरी पड़ी है और वो जिंदगी में उन्होंने कोई सफलता ली नहीं है बस उन्होंने थोड़ी किताब इस कॉपी मारा उस किताब से कॉपी मारा वो आपको ज्ञान बांटते रहते हैं लेकिन अगर आप सच्ची योजना आप जानना चाहते हो तो आप हमारे ग्रेट मैंट्रो को सुनिए तो कहीं ना कहीं लक्ष्य बनाए और सफल बनाए है।, है ना ये किताब हमें बताती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज और अभी के बाद आप जरूर योजना बनाएंगे अपनी जिंदगी की और अगर आपको थोड़ा योजना में कोई आपको डिस्टर्बेंस है या आपको समझ में नहीं आ रही है तो अपने उसमें मेंटर का जो सफल मेंटर है उसका आप सपोर्ट लें इस किताब के लास्ट कुछ ही आप देखोगे पेजों में से कुछ मैंने पढ़ा लिखा समझा इन तेरह सालों में पूरे ब्रह्मांड में आप केवल एक ही चीज पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं ना अपलाइन पे कर सकते हैं ना डाउनलाइन पे कर सकते हैं ना समस्याओं पे कर सकते हैं ना निगेटिविटी पे कर सकते हैं वो है आपकी सोच कई बार हम अपनी डाउनलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं यार तू ऐसा मत कर अपलाइन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बोला गुरु आप तांडव मत करो हमें सपोर्ट करो आपने वादा किया था हम डाउनलाइन को भी बदलने की कोशिश करते हैं आप नियंत्रण जो कर सकते हैं वो सिर्फ अपनी सोच पे कर सकते हैं आज विकास का नियंत्रण सिर्फ अपनी सोच पे है मेरा नियंत्रण किसी और पे मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा कई बार क्या होता है हम हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने अपलाइन को सिस्टम को कंपनी को डाउनलाइन को सब हमारे कंट्रोल में चले और वो कंट्रोल में आते नहीं है तो आप दुखी होते हो तो क्यों ना अपनी सोच पे कंट्रोल करें सोच सब कुछ बदल देती है किसी परिस्थिति में क्या सोचना है ये आप पर निर्भर करता है देखो लोग तो आए गए मेरी टीम में भी आपकी भी टीम में आए गए होंगे मेरे भी कभी कभी चेक छोटे बने बड़े बने समस्याएं फैमिली की तरफ से भी आई लेकिन ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस परिस्थिति में क्या सोचते हो उस जो परिस्थिति आपके जीवन में आई उसमें सोचते क्या हो आइए आपके ऊपर निर्भर करता है और उस सोच के कारण ही आपकी भावनाओं पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पैदा होता है आपके यही विचार और भावना इस बात को तय करती है कि आपका अगला कदम क्या होगा देखो बहुत बड़ी बात बोली है आप फिर से इसको अंडरलाइन करें आपके यही विचार और भावनाएं इस बात को तय करती हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा और उसके अनुरूप ही आपको प्रणाम मिलते हैं इन सबकी शुरुआत आपकी सोच से होती है आज पानी बरस रहा है एक बंदा बरसाती पहन के अच्छी सोच के साथ उसकी योजना है मुझे टारगेट जीतना है, वो प्लान देने के लिए जाता है और वो डेली सेल लेके आता है और टारगेट जीत गया वो या जीत जाएगा लेकिन एक बैठा बैठा महाराज शिकायतें करता रहता है कंप्लेन करता रहता है और वो ये टारगेट भी नहीं जीतेगा क्योंकि उसकी आदत में नकारात्मक सोचना है योजना ही नहीं उसके पास इन सब की शुरुआत आपकी सोच से होती है जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी हमारी सफलता और उतनी ही खुशियों से भरी हमारी जिंदगी होगी एक संक्षिप्त नजर इस बार पर डाल लेते हैं कि बड़ी सोच से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं मैं यू कहूंगा आप बड़ी सोच से अपने जीवन में पूरा स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं है ना क्या क्या कर सकते हैं वो छोड़ो ब्रह्मांड में परमात्मा ने जो स्वर्ग बनाए स्वर्ग की आप कल्पना करो क्या क्या होगा वो सब प्राप्त कर सकते हैं आप है ना विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे असफलता की बीमारी यानी इसको अंग्रेजी में हम भाना, भाना साइटिस कहते हैं भानेबाजी इलाज करें आत्मविश्वास जगाएं और डर को दूर भगाए रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें अपने दृष्टिकोण को अपना सहयोगी बनाएं, कर्मठ बनने की आदत डालें हार को किस तरीके से, से जीत में बदलें, लीडर की तरह कैसे सोचें खुशहाल और सफल सामाजिक और पारिवारिक जीवन में कैसे आप सफलता के गुर सीखें बड़ा सोचें ये सारा सब कुछ जब इस किताब को पढ़ोगे तो मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा किताबी में लेकिन इस पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी सोच का बड़ा जादू मैं इस पूरी किताब को मैं पांच लाइनों में क्रोच करूंगा अपनी सोच से नंबर एक खुद के लिए एक सही रोडल रोल मॉडल जरूर चुने क्योंकि अगर आपको रोल मॉडल अभी तक आपने नहीं चुना है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते आप रोल मॉडल चुने आप किसकी तरह बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सक्सेसफुल बियॉन्ड जिसने सक्सेस लियो सोच से परे जैसा रोल मॉडल होगा आपकी हरकतें आपकी आदतें आप वैसे ही करना शुरू कर दोगे दुनिया में रोनाल्डो की बात करें सचिन की बात करें अंबानी जी की बात करें वो किसी ना किसी से प्रेरित हुए उनको रोल मॉडल माना आप बात करें हमारे ग्रेट मेंटर्स की वो भी किसी से प्रेरित हुए उन्होंने अपना रोल मॉडल चुना आज वो भी सफल हो गए मेरा भी रोल मॉडल है तो रोल मॉडल चुने ये किताब कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करती है आपको कि बड़ा रोल मॉडल चुने आप फिर उसकी देखें कि उसकी आदतें क्या हैं उसकी सोच क्या है वो कैसे सोचता है है ना तो हमेशा अपने रोल मॉडल को चुने और रोल मॉडल को चुनके आप जब काम करेंगे तो आप देखोगे आपके अंदर बहुत सारे बदलाव ऑटोमेशन पे आ जाएंगे नंबर एक इस किताब से मैंने सीखा कि बड़ा बोलने का और सोचने का रिस्क लें इसमें रिस्क क्या है रिस्क ये है कि लोग आपकी मजाक उड़ा सकते हैं लोग आपको फेंकू बोल सकते हैं लोग पीठ पीछे आपकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं और कई लोग तो बोलेंगे सब बकवास है लेकिन जब आप करके दिखा दोगे तो बोलेंगे अरे जी हम तो जानते थे आप करके दिखा दोगे मैं तो मजाक कर रहा था हमेशा तो ध्यान रखो ये रिस्क है ज्यादातर लोग ये रिस्क लेते नहीं है इसलिए जिंदगी उनकी बड़ी बनती नहीं है बिकॉज ने रिस्क लिया मैंने बोला और मैंने बोला तो वो हुआ मैंने सो मैंने मैंने ड्रीम देखे उनको पूरा किए बड़े ड्रीम देखे तो बड़ा बोलने का और सोचने का थोड़ा रिस्क लो भाई थोड़ी देर के लिए आप हो सकता है थोड़े मजाक का केंद्र बन जाओ है ना कई लोग बोलते हैं बोलूंगा नहीं करके दिखाऊंगा अरे भाई तू तो जिंदगी में नहीं करके दिखा पाएगा चाणक्य भाई ये चाणक्य की नीति जो बोला तो मैं बोलूंगा नहीं तो जमाना बदल गया है अपनी आदतें हमें बदलनी है तो बड़ा बोलो और मैं तो बोलता हूं भाई कई लोग क्या बोलते नहीं नहीं अभी बताना नहीं किसी को किसी को बताना नहीं आ रहे भाई तो हमेशा ध्यान रखो खूब बड़ा बड़ा बोलो आप बोलो आप सोचो और आप देखोगे परमात्मा उसकी ब्लेसिंग्स आपको देगा तथास्तु और आप देखोगे परमात्मा उस तरीके की इस संयोग बनाएगा और आप कर जाओगे खुद की तुलना कभी किसी से मत करो देखो अगर आप किसी से तुलना करते हो या तो आप उससे अपने आप को बड़ा बना लोगे अगर उससे अपने आप को बड़ा बनाते हो तो ईगो पैदा हो जाएगा या तो फिर उससे अपने आप को छोटा बना लोगे छोटा बना लोगे तो आपके आत्म छवि गिर जाएगी तो यू आर ए सिंगल पीस इन द वर्ल्ड आप किसी से तुलना मत करें आप अपने आप में खास है और कोई आपकी तुलना करे तो उसको इग्नोर करो कई लोग आएंगे जो तुलना करके आपको थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे हमेशा ध्यान रखें खुद की तुलना कभी किसी से ना करें कोई करता है उसको इग्नोर करें हाँ सीखें जरूर सीखें जरूर सीखें जरूर अच्छे लोगों से सीखें लेकिन तुलना ना करें किसी से मैं तुलना कभी किसी से नहीं करता कई लोग यहां तक बोल देते हैं, अरे जी आप तो अपने आप को एकदम स्पेशल मानते हो हां जी स्पेशल है हम बिल्कुल मानते हैं जी बिल्कुल मानते हैं और मानना चाहिए स्पेशल अपने आप को ऐसा मैं नहीं बोलता ऐसा गीता बोलती है भगवत गीता बोलती है किताबें बोलती है हजारों किताबें बोलती है अपने आप को स्पेशल समझो ऑन दी सिंगल इस आप जैसे फिंगरप्रिंट किसी के पास नहीं है तो खुद की तुलना करोगे तो दो चीजें आपके साथ घट जाएंगी या तो आप ईगो पैदा कर लोगे बोला मैं तो उससे बड़ा हूं या फिर आप छोटे बन जाओगे इसलिए आप समाव रखें अपने अंदर जो है आप अच्छे हैं खास हैं और अपने आप को इंप्रूव करें मैंने इस किताब से सीखा आप भी पढ़ेंगे आप भी सीखेंगे बड़े और महान गोल बनाए बड़े और महान गोल कौन होते हैं बड़े और महान गोल का मतलब है जिसमें आपका भी फायदा हो और आपकी टीम का भी फायदा हो जिसमें सिर्फ आपका, आपका फायदा है तो वो छोटे गोल है लेकिन जिसमें टीम का फायदा जुड़ जाता है आप बोलते हो मैं मर्सडीज लूंगा और अपनी टीम के भी दस लोगों को मर्सडीज दिलवाऊंगा ये है बड़ा गोल महान गोल आप बोलते हो मैं डायमंड बनाऊंगा अपनी टीम से भी दस लोगों को डायमंड बनाऊंगा इसको कहते हैं ड्रीम गोल इसको कहते हैं बड़ा गोल इसको कहते हैं महान गोल आप बोलते हो मैं भी फ्लाइट में यात्रा करूंगा और अपनी टीम के भी पचास लोगों को फ्लाइट की यात्रा करवा के उनका सपना पूरा कराऊंगा इसको कहते हैं बड़ा गोल महान गोल आप हाँ बोलते हो मैं एप्पल का लैपटॉप लूंगा और मैं अपनी टीम में पांच सौ लोगों के का लैपटॉप दिलवाऊंगा इसको कहते हैं बड़ा गोल महान गोल है ना छोटा गोल मेरा घर मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरी चेक मेरा 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 मैं 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 आप बहुत छोटी स्थिति में आ जाते हो फिर भगवान भी हेल्प नहीं करता आपकी क्योंकि भगवान उसी की हेल्प करता है जो खुद के बारे में भी सोच रहा है उनके बनाई हुई दुनिया के बारे में भी सोच रहा है है ना मेहनत करने की सीखने की मेहनत करने की और सीखने की आदत डालो सिर्फ बड़ी सोच करने से नहीं हो जाएगा आज विकास क्राउन एम्बेसर बनने के बाद भी और मैं ये कहता हूं मेरी डाउनलाइन में मेरी टीम के अंदर अगर दस हजार क्राउन एम्बेसर बन जाएंगे एक लाख भी बन जाएंगे पांच लाख भी बन जाएंगे आखिरी सांस तक मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं और मैं बहुत सीखने वाला हूं ये मेरा कमिटमेंट है खुद से नो no एंड मेरे मेहनत का कोई एंड नहीं है मेरे सीखने का कोई एंड नहीं है यह ध्यान रखिए यह मैंने इस किताब से सीखा मैं इसको अप्लाई करता हूं आभारी रहना सीखें आपको जो भी कुछ मिला है उसका क्रेडिट खुद को ना दें दिल से क्रेडिट अपनी मेंटरशिप को दें लोगों को दें माँ बाप को दें परमात्मा को दें ब्रह्मांड को दें हर खड़ को दें हर को छो आभारी रहें आभारी रहे, ना बनावटी ना रहें सामने धन्यवाद और पीछे कुछ और, है ना आभारी दिल से परमात्मा की मदद सबकी मदद से आप यहाँ तक पहुंचे ऐसा महसूस करें और ये सच्चाई है देखो मेहनत तो आपकी लगेगी क्रेडिट लेके अपने आप को छोटा ना बनाए खुद लेकिन क्रेडिट देके आप बड़ा बन सकते हैं तो हमेशा ध्यान रखो आभारी रहे और ऐसा महसूस करें सच्चाई के साथ में कि सबकी हेल्प है इसमें और परमात्मा के दिल से धन्यवाद करें और हमेशा जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करें और जो भी हमसे छोटे तो कोई होते ही नहीं है फिर भी ऐसा लगता है मेरे इस उम्र में थोड़े छोटे हैं तो उनको आप प्यार करें आभारी रहने का मतलब ये होता है है ना सम्मान करना सबके बारे में अच्छा सोचना सबको धन्यवाद बोलना परमात्मा को धन्यवाद बोलना सबको क्रेडिट देना इसको आभारी रहना कहते हैं लास्ट इस किताब से मैंने सीखा अच्छे माहौल में रहें आपकी सोच का 90 परसेंट जो भाग है वो आपके माहौल से बनने वाला है आप आज जो सोच रहे हो ना इसलिए कभी भी अमीर लोग फ्री में कोई जमीन उनको दे झोपड़पट्टी में रहने के लिए वो नहीं रहने जाएंगे है ना तो अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड बनाए एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है ना आदमी इस पृथ्वी पे आता है तो एक अच्छा इतना कंजूस ना बने अच्छे माहौल मेरा अच्छा माहौल अच्छे कपड़े पहने अच्छे जूते पहने अच्छे अपने हेयर कट अच्छे रखें अच्छी सेविंग करें अच्छी क्रीम यूज करें अच्छी किताबें यूज करें अच्छा खाना खाएं अच्छा सोचें अच्छे लोगों के बीच में बैठे अच्छे लोगों के साथ चलें अच्छे होटलों में रहें अच्छे में अच्छी फ्लाइट में चलें सस्ता मतलब बुरा माहौल मेगा मतलब अच्छा माल इसको देसी भाषा में समझ लो ठीक है जी छोले भटूरे दस रुपए में मिलते हैं छोले भटूरे पांच रुपए में मिलते हैं धीरू भाई अम्बानी पांच रुपए में जाके खाते थे चाय पीते थे ऐसा आपने पढ़ा होगा आप डायलॉग भी मारते होंगे तो अगर धीरू भाई अम्बानी जैसा बनना है तो उनके जैसे काम भी करने पड़ेंगे है ना तो वो दस रुपए के छोले भटूरे खा के तू सोच रहा है हाँ आज हो सकता है परिस्थिति वो हो कई मैंने देखे हैं जो अपनी टीम को सिखाते हैं सस्ते में कैसे जीना है सस्ती मीटिंग कैसे करनी है तो फिर मेरे को लग रहा है फिर तो यार सब्जी बेचने वाला काम खोल ले फिर तो अमीर बनने का सपना ही नहीं देखना चाहिए है? तो हमेशा ध्यान रखिए अच्छा माहौल बना और अच्छा माहौल की एक कीमत होती है कीमत पे करनी पड़ती है अच्छे माहौल की बुरे माहौल तो फ्री में मिल जाते हैं अब मंदिर में जाके सो जाओ अब भंडारे में जाके सो जाओ रोड पे जाके सो जाओ फ्री में है ना कोई आपको पैसा को कोई चार्ज नहीं है लेकिन दोस्तों अच्छे माहौल की कीमत होती है तो अच्छा माहौल बनाओ ये मैंने सीखा अगर मैं अपना चेक नहीं बनाऊंगा तो मैं अच्छा माहौल कैसे जीऊंगा अच्छा माहौल कैसे बनाए इसके लिए मैं तीन स्टेप लास्ट में बता रहा हूं उसके बाद हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे नंबर एक अच्छा माहौल क्या होता है एक बार दिशा में जाके देखो 2009 में दिशा ली मैंने माहौल की असली परभाषा जिंदगी की असली परिभाषा शेप शॉप की असली क्या है दिशा में जाके मिली मेरे को मैंने दिशा टाइम निकाला मैं गया वहां पहुंचा लेकिन आप देखेंगे कि वहां जाने के बाद दिशा में जाने के बाद मुझे अपनी उस जिंदगी से मैं मिला जो जिंदगी में जीना चाहता था और दिशा साल में एक बार होती है ये सेशन नहीं है सच में अगर आप दिल से लेने जाते हो मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आप इस दिशा को दिल से लेते हो तो वाकई पूरा जीवन बदल जाता है अगर आप सीखने के मकसद से जाते हो तो लेकिन मजे लेने के मकसद से जाते हो तो फिर तो पिकनिक है और पिकनिक हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं अगर आपको एक दिन की खुशी चाहिए तो पिकनिक पे जाओ है एक दिन की खुशी मिलेगी लेकिन अगर आपको जीवन भर की खुशी चाहिए तो तो लोगों का 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 विकास 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 करना सीखो तो खुद का और टीम का आप कैसे करते हैं आपकी सोच कैसे बनती है सोच को आप कैसे बड़ा बनाते हैं आपका कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है वहां एक मेंटर के द्वारा जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता ली है प्रैक्टिकल तरीके से वो आपको अपनी शब्दावली जो आसान भाषा है उसमें समझाता है और उसके साथ आपको चार दिन रहने का मौका मिलता है सीखने का मौका मिलता है समझने का मौका मिलता है और आपको मौका मिले बल्कि मैं तो ये कहता हूं सिस्टम की छोटी सी छोटी मीटिंग भी आपकी सोच बदलने की ताकत आपको एक अच्छा माहौल देने की ताकत रखती है चाहे वो ग्रुप मीटिंग क्यों ना हो चाहे छोटी सी एफ मीटिंग ना हो मेरी एफ मीटिंग हुई थी तो दोस्तों पहला काम ये है आप इसको आप करते हो अपनी टीम को यहाँ पहुंचाते हो तो सोच बदलती है एक अच्छा माहौल मिलता है यहाँ पर है ना एक बहुत बड़ी सिनर्जी एनर्जी मिलती है आपको दूसरा टारगेट जीतो टारगेट जीतोगे तो एक अच्छा माहौल मिलता है टारगेट जीतने से पैसा तो आपको मिलता ही है लेकिन जब आप यहां से दिल्ली से जिंदगी में आपने हवाई जहाज तरफ ऐसे देखा है गर्दन टेढ़ी करके पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट पे जब जाते हो तो आप देखते हो वहां पर सारे अमीर लोग देखेंगे कोई एप्पल पे काम कर रहा है एप्पल का लैपटॉप पे काम कर रहा है वहां कोई कॉफी पी रहा है ढाई सौ रुपए की कॉफी है कोई कुछ कर रहा है ड्रेसें देखो आप एक से एक बढ़िया शोरूम देखो एक से एक बढ़िया और फिर वहां से आप इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ते हो माहौल बदलता है आपका अंदर से सब कुछ बदलता है जो किताबों से नहीं बदलेगा कुछ चीजें किताबों से बदलती है लेकिन हर चीज किताब से नहीं बदलेगी कुछ चीजों के लिए अनुभव जरूरी होता है अपनी सोच बदलने के लिए अनुभव जरूरी होता है तो अनुभव वो तब मिलेगा जब आप ये टारगेट जीतोगे आप दुबई जाओगे आप थाईलैंड जाओगे आप पेरिस जाओगे स्विट्जरलैंड जाओगे तब मुझे पता चला ना यार हमारा देश तो यार बहुत पीछे हम तो यार कुछ भी नहीं है हमें तो बहुत मेहनत करनी चाहिए वो देखते हैं भाई साहब पानी की बोटल ही आती है पांच सौ रुपए की तब तो हमें पता लगता ओ माई पानी की है क्या वैल्यू है तो टारगेट जीतोगे तो माहौल बदलेगा आपका नहीं जीतोगे तो माहौल ही नहीं, नहीं बदलेगा तो मैंने बोला ना माहौल की एक कीमत होती है अगला लास्ट है जैसा पढ़ोगे जैसा खाओगे मतलब जैसा अन्न वैसा मन आप सेब के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो तो आपकी सोच वैसी बनने वाली है शेव सब के प्रोडक्ट यूज करने से आपकी सोच बदलती है आपका अकाउंट का नंबर बदलते हैं आपके अकाउंट के नंबर भी बदलेंगे आपकी रिकग्निशन बदलेगी आपकी सोच बदलेगी तो आपके घर में 100% प्रोडक्ट होने चाहिए मेरा ऐसा मानना है मैं ऐसा करता हूं उसके बाद भगवत गीता पढ़िए आज तो हर घर में भगवत गीता जानी चाहिए भगवत गीता आज ना कि सिर्फ एक जीवन जीना सिखाती है बल्कि स्वर्ग तक ले जाने का रास्ता भी बताती है अच्छी जिंदगी जीने का पूरा आपका पूरा संपूर्ण ज्ञान देती है तो हर घर में होनी चाहिए तो आज कहीं ना कहीं प्रोडक्ट यूज करें और लोगों को भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रेरित करें मेरा कहने का मतलब है आप गंगा जल की बूंद डालते हो ना शरीर पवित्र हो जाता है वैसे ही जब आप सेब सॉप के चावल खाते हो सेब सॉप का आप कहीं ना कहीं आप नोनी पीते हो आप उनके प्रोडक्ट यूज करते हो जितने भी प्रोडक्ट है वो पवित्रता जो है आपके अंदर वो कहीं ना कहीं पहुंचती है और आप प्योर होते हो कंपनी के प्रत्यान के तो प्योरिटी इज ए डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है प्योरिटी अमीरी की डेफिनेशन है सफलता की डेफिनेशन है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ना ये प्रोडक्ट नहीं है ये बाकी मेरे लिए तो गंगा जल सामान है और मैं जब जब ये खाता हूँ जब जब यूज करता हूँ हर सुबह शाम दोपहर मेरे तो घर में सब यही है मेरे घर में तो एक कहीं ना कहीं अंदर प्योरिटी फील होती है और स्टेज पे जब बात करता हूँ तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है एक विश्वास आता है कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊँ कई बार क्या होता है कि लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर अंदर आत्मा ही उनका साथ नहीं देती है बोला यार तू झूठ बोल रहा है है ना तो कहीं ना कहीं भगवत गीता हमें सिखाती है दोस्तों कि आदमी को अपने जीवन में अठारह अध्याय हैं इसमें हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए हमने भी पढ़ी है कई बार पढ़ी है हम तो इसको पढ़ते ही रहते हैं तो मेरा कहने का मतलब भगवत गीता जब भी मौका मिले आप उसको पढ़िए आप उसको सुनिए आप उसको समझिए आप देखिए कि पहले अध्याय में क्या है अठारवे अध्याय में क्या है और किस तरीके से भगवान कृष्ण ने एक नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव करके और धर्म का युद्ध उस व्यक्ति को जिताया आपकी भी डाउनलाइन में अर्जुन जैसे लोग आते हैं आप उनके मेंटर बनना चाहते हो आप उनके रोल मॉडल बनना चाहते हो तो रोल मॉडल जब आप बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन जो नकारात्मक व्यक्ति जिसका स्वभाव जिसकी धारणा थी उसको कैसे उन्होंने धर्म युद्ध जिताया कैसे उन्होंने उसको वो युद्ध जीतने पर मोटिवेट किया कहीं ना कहीं युद्ध जीतने ऐसे ही डायमंड बनना भी एक युद्ध है है अमीरी से गरीब से अमीर बनना भी ये युद्ध है तो दोस्तों ये बुक मुझे लगता है बुक नहीं है ग्रंथ है और ये ग्रंथ हर किसी के पास होना चाहिए तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जो आज मुझे इस पैनल के माध्यम से आपसे बात करने का मौका मिला मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं आभारी हूं कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक और बड़े ध्यान से सुना आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं परमात्मा उनको सुख शांति समृद्धि दे और उनकी आई पर आने वाले भविष्य में कैपिंग और यूनिवर्सल करंट एम्बेसर जल्दी से जल्दी दे ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और मैं चाहता हूं दोस्तों एक बार हाथ ऊपर करके हमारी ग्रेट सेव सॉप के लिए हमारे सिस्टम के लिए हमारी ग्रेट मेंटरशिप के लिए और मैं चाहता हूं आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना शानदार मौका दिया और आज कहीं ना कहीं ये कुछ बातें मैंने जो सीखी अपने जीवन में इस किताब से वो मैंने आपके सामने रखी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत एंड जय से बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद थैंक यू वेरी मच आज आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया है और आज जो बातें आपने करी है इससे बहुत सारे लोगों की सोच में बदलाव आने वाला है और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग डायमंड बनके कैपिंग लेके और यूसी बनके दिखाने वाले हैं धन्यवाद मैं चाहता हूँ आपके लिए विकास जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए बहुत जोरदार